हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मानसी और आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ एक प्लाज़ो के थ्रू 10 लुक्स क्रिएट करने का वीडियो, जो कि एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था। आई होप आपको ये पसंद आएगा। यदि आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया है, दोनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके मुझे फॉलो ज़रूर करें। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है मेरा फर्स्ट लुक जिसमें मैंने एक पार्टी वेयर लुक क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग टॉप पहनी हुई है। ये एक क्रॉप टॉप है जो कि मैंने बाई करी थी शीन से और काफ़ी ब्यूटीफुल और एलिगेंट लुक आता है इसका। इसके ऊपर मैंने ये इयररिंग मैच करी है और मैंने पहनी है 2 सिल्वर, जो कि इसको लुक को काफ़ी ज़्यादा पार्टी वेयर रिफ्लेक्ट कर रही है और बहुत ही एलिगेंट लुक आ रहा है। ब्लैक इंटू ब्लैक एक मोनोक्रोम लुक है और आई होप आपको ये भी पसंद आ रहा होगा। मेरा तो ये फेवरेट लुक है। और इसके साथ मैंने ये स्ट्रिंग पर्स ले लिया है जो कि बहुत ज़्यादा ही इसके साथ मैच हो रहा है। और मैंने हेयर स्टाइल इसमें हाई बन रखी हुई है क्योंकि इसमें क्लोज गला है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एलिगेंट लग रहा है इसमें हाई बन। और नेक्स्ट लुक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट लुक में आप देख सकते हो कि मैंने ये पहना हुआ है एक वेलवेट ट्यूब टॉप और इसके ऊपर मैंने अपना सीक्वेंस वाला टॉप को ओपन करके पहना हुआ। इसमें चेन सिस्टम था तो मैंने इसको जैकेट की तरह पहन लिया है। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल हैक है। और इसके साथ मैंने पेयर करी है ये इयररिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सी इयररिंग है ब्लैक कलर की, काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही है। और इसके साथ मैंने लेयर किए हुए हैं 2 सिंपल से सिल्वर नेकलेसेस जो कि चेन नेकलेसेस हैं और मैंने सेम पर्स को इसके साथ कैरी किया है। तो एज यू कैन सी गाइस, ये पार्टी वेयर लुक तैयार है और यू आर गुड टू गो। सो थर्ड लुक है गाइस। इस थर्ड लुक में मैंने क्या किया, सिंपल टॉप इसके साथ पहनी हुई है और मैं ये पर्स लिया है। और आप देख सकते हो ये एक ऑफिशियल लुक है। इसको पहन के आप किसी ऑफिस में भी जा सकते हो, अपना ऑफिस भी अटेंड कर सकते हो और कैजुअली यदि आप कहीं बाजार वगैरह जा रहे हो, कहीं मॉल जा रहे हो तो भी आप इसको पहन सकते हो। बहुत ही ईजी ब्रिजी लुक है, कुछ नहीं करना। प्लाजो पहन लिया और ऊपर से हमने एक टॉप पहन ली और सिंपल सा हेयर स्टाइल कर लिया। इस पर हाई बन भी कर सकते थे। नेक्स्ट है मेरी ये हाफ टॉप हाफ स्लीव की टॉप है। ये भी एक शी टॉप है, काफ़ी ब्यूटीफुल टॉप है। मैं इस पर सोच रही थी पहले ओपन हेयर्स रखूँ बट मैंने फिर लास्ट में डिसाइड किया कि मैं इस पर बन करती हूँ, तो मैंने इस पर बन किया है। और इसके साथ मैंने कान में पहने हुए हैं ये सिल्वर ऑक्सीडाइज ईयर रिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके कलर को मैच कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कैजुअल लुक है, जिसको कि आप कहीं भी आने जाने में पहन सकते हो। आपको जल्दी में निकलना है, कहीं भी आप जाना चाहते हो, आप इसे इजी बिजी पहन सकते हो। देन मैं आफ्टर पहन रही हूँ ये पिंक कलर की शीट टॉप जो कि मैंने शीन से परचेज़ करी है। इसको मैंने इन करके पहना हुआ है। हेयर्स मैंने ओपन कर दिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसके साथ ओपन हेयर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सिंपल ईयर रिंग रखा और ये पिंक कलर का बैग मैंने अपने शोल्डर पे ले लिया जो कि इसके कलर को और इसके टॉप को बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। और इत्तेफाक से ये मेरे वार्डरोब में था सेम कलर का पर्स जो कि इसको बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा ये लुक और बहुत ज़्यादा सिंपल लुक है। इसको पहन के हम कहीं भी जा सकते हैं, एनी वेयर, हम कहीं भी पार्टी में भी जा सकते हैं। सिंपल पार्टी है, गेट टुगेदर है, वहाँ पे भी इसे पहन के जाया जा सकता है। सो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन आफ्टर ये सिक्स लुक मेरा थोड़ा एक्सपेरिमेंटल लुक था, कुछ ज़्यादा निकल के नहीं आया क्योंकि शायद मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने इस शर्ट को थोड़ा नॉट लगाने की कोशिश करी। और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर कुछ एसेसरीज पहनी, इस तरीके से नेकलेस और ये इयररिंग्स भी इसमें मैंने मैच करी। तो मतलब कुछ इजी ब्रीजी लुक, काफ़ी फनकी सा लग रहा था, अच्छा लगा। बट मुझे ऐसा लगा शायद मेरे ऊपर ही अच्छा नहीं लग रहा है, आई डोंट नो, आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी मैंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया और फिर मैंने इस शर्ट को अंदर इन कर लिया और इस जैकेट को अपने शोल्डर पे इस तरीके से डाल लिया, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है कंपैरिजन टू दैट लुक। और हाई बन करने पे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये एक ऑफिशियल लुक है। इस तरीके से हम ऑफिस की किसी मीटिंग में, ऑफिस में भी जा सकते हैं और बहुत ही एलिगेंट और सिंपल लुक है क्योंकि मैंने ईयर रिंग्स इसमें बहुत ही सिंपल सी पहनी है, बिल्कुल सिंपल एलिगेंट ईयर रिंग्स। देन मेरा ये फिर से एक पार्टी वेयर लुक है जिसमें मैंने एक सीक्वेंस कैमी पहनी हुई है। ये भी मैंने शीन से परचेज करी। इसको मैंने स्टाइल करा है गाइस एक मैरून कलर की ही इयर रिंग्स के साथ और ये इयर रिंग बिल्कुल सेम इसी क्रॉप टॉप के मैच की है। बहुत ही अच्छी लगती है। मैं सोच रही थी इसमें कि गले में कुछ पहनूं बट मुझे एट अ टाइम कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं एडिट कर रही थी तब मुझे लगा कि एक मुझे सिंपल सा एक चेन नेकलेस या फिर कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ। सो गाइज, ये तो था लुक एट्थ लुक। अब ये है 9th लुक जिसमें कि मैंने एक शॉर्ट कुर्ती को मैंने इसके साथ स्टाइल किया है। थोड़ा कमर को
एक शेप देने के लिए मैंने ये नेकलेस को कमर में बांध लिया है। ये थोड़ा गरबा टाइप लुक हो गया है, बिल्कुल ये लग रहा है कि आप गरबा के लिए रेडी हो बहुत ही इजी तरीके से, कि आपके पास कोई ड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी आप इस तरीके से पहन के गरबा के लिए, नवरात्रि के लिए, किसी फेस्टिव के लिए आप इस तरीके से रेडी हो सकते हो। कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल सी कुर्ती, इस तरह की टॉप वगैरह हो आपके साथ, पेयर कर लो, सिंपल सी वाइट ज्वेलरी लेयर कर लो और यू आर गुड टू गो। देन आफ्टर ये 10th लुक है गाइस, ये 10th लुक शेयर करने का मतलब मेरा सिर्फ ये था, प्लीज़ डोंट फोकस ऑन माय बॉडी। और आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये वाइट क्रॉप टॉप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बट हाँ थोड़ा सा मैं हैवी लग रही हूँ, बट आप यदि थोड़ी सी सिंपल पर्सनैलिटी के हो तो आपके ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसके ऊपर ज़रूर 100% एक स्कार्फ कैरी करूँगी जब मैं इसको पहर पहन के जाऊँगी, बट ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइज, ये थे 10 तरीके के लुक जो कि मैंने क्रिएट करे सिर्फ और सिर्फ एक प्लाजो से। आई होप गाइस इन 10 में से कम दो आउटफिट्स आइडिया आपके स्टाइल से मैच करते होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, यदि कोई भी आपके लिए हेल्पफुल रहा सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को कर देना लाइक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ताकि वो भी अपने आइडियाज अपनी आउटफिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर योर लव। लेटेस्ट अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मिलते हैं गाइज किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।